जिस वक्त का हमें इंतजार था, जिस वक्त के लिए हमने बहुत महीनों तक इस आस में गुजारे हैं कि कब जून का महीना आए, कब वो डेट आए जब हम वर्ल्ड कप के अंदर नेपाल को खेलता देखें, आखिरकार उस लम्हे में अब कुछ घंटे शेष हैं। और उससे पहले ये जान लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी कि कौन सी टीम बेहतर है आज के मैच के अंदर। नमस्कार, मैं PM DNA सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। आखिरकार नेपाल और नेदरलैंड्स का हम यहाँ पे प्रेडिकेशन करेंगे, जिसके अंदर हम कई तरहों के आंकड़ों की जिक्र करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे कि नेपाल और नेदरलैंड के अंगेंस्ट जो मैच हुए हैं उनके रिजल्ट्स कैसे रहे होंगे। इसके साथ साथ दूसरा हमारा यहाँ पे आधार रहेगा कि पिछले 5 मैचों में कौन ज़्यादा सूटेबल या फिर कौन ज़्यादा अच्छा रहा है। और तीसरा हमारा ये रहेगा कि जो अभ्यास मैच है उसके अंदर कैसा परफॉर्मेंस रहा है। ये सारी बातें इस वीडियो में करने वाले हैं, वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप पूरा अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में लाइव तक की जानकारी दी जाएगी वैसे देखा जाए तो, और मैं आपको बता दूं कि नेपाल वर्सेज नेदरलैंड के अंगेंस्ट पहले भी बहुत सादा मैच हो चुके हैं। अगर हम बात करें तुलना की तो यहां से बिल्कुल भी आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि कौन सी टीम ज़्यादा स्ट्रोंग है, क्योंकि हमने जहाँ पे 217 रन तक का स्कोर करते हुए नेपाल को देखा है, वो भी नेदरलैंड के अंगेंस्ट, और वह वहाँ पर नेदरलैंड को हराते हुए देखा है। वहीं भी अगर बात करें तो नेदरलैंड के अंगेंस्ट ही नेपाल 60 रन पर ढेर होता हुआ भी नजर आया है और हारता हुआ भी नजर आया है। और एवरेज स्कोर की अगर बात करी जाए तो 150 या फिर 160 140 के इर्द गिर्द बहुत से मैच ऐसे मिल जाएंगे जिसमें कभी नेपाल जीता है कभी नेदरलैंड जीता है। तो यानी कि ये तो एक परफॉर्मा रहा जिसके अंदर इक्वेलेंटी नजर आती है। दूसरी ओर अगर बात करें लास्ट 5 मैचेस की तो उसमें भी अब इक्वल चल रहा है नेपाल। लेकिन नेपाल ने पहला एक मैच जीता है यानी कि लास्ट 5वां मैच जीता है और आगे 4 मैच हार दिए हैं। वहीं पे अगर बात करें नेदरलैंड की तो उन्होंने पहले 3 मैच हारे, फिर एक जीता और फिर एक फिर से हार गए हैं। तो यहाँ पे जीत का जो रास्ता है वो पास जरूर है नेदरलैंड के, लेकिन 5 मैचों में से एक मैच ही नेपाल ने जीता है और यहाँ पर नेदरलैंड ने भी एक ही मैच जीता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर भी कहीं ना कहीं 50-50 चांसेस बनते हैं। दूसरी ओर अगर बात करी जाए तो नेपाल का अभ्यास भी जो स्तर था वो भी उतना ज़्यादा स्टीक या फिर अच्छा नहीं रहा। हम कह सकते हैं कि एक मैच हारी थी और दूसरा मैच रद्द हो गया था। और दूसरी ओर हम नेदरलैंड की बात करें तो उनका भी कोई खास प्रदर्शन यहाँ पर नहीं रहा है। अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे कि कैस किस तरह से देखें हम मैच को, तो मैं आपको बता दूं कि ICC मैंस T20 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज एंड USA 2024 जो के मैचेज हैं वो लाइव एंड फ्री ऑफ कॉस्ट दिखाए जाएंगे, वो भी ऑन ICC.TV के ऊपर। और इसके अंदर हम बात कर सकते हैं कब चलेगा, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो मैच है वो आज यानी कि 4 जून को चलने वाला है। अगर बात करें यहाँ पे US टाइम की अकॉर्डिंग तो ये यहाँ पे 15:30 यानी कि 3:30 पर चलने वाला है। और वहीं पे अगर बात करें इंडियन टाइम की तो वो 9 बजे यहाँ पे 9 PM पर ये मैच होने वाला है। एक्चुअल में मज़ा तो काफ़ी ज़्यादा आने वाला है, बिकॉज हम इस मैच की कितने दिनों से वेटिंग में थे कि कब यहाँ पे नेपाल की टीम US से पहुँचेगी, कब यहाँ पे नेपाल की टीम नेदरलैंड के साथ पहला मैच करेगी। और अगर यहाँ पे एक बात सोच लेने वाली बात है कि अगर नेपाल पहला मैच जीतता है तो इससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल और कोई भी चीज़ नहीं बढ़ा सकती। आखिरकार किस तरह से जीतेगा ये बात कहना अभी मुश्किल है। इसके बारे में अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखता हूं, कोई नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने आज रहूंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।